अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ये सिंपल एंड अट्रैक्टिव से नेक डिज़ाइन की कटिंग बहुत ही आसानी एंड सिंपल मेथड से कर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों नेक डिज़ाइन मेरी मम्मा के फेवरेट हैं, वो मोस्टली ये बनाती हैं, तो आज मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि मेरे व्यूवर्स को भी अपना ये ईजी सा मेथड ज़रूर बताएँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से मैंने पहले आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरी मदर्स की वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए, उनको इतनी सारी दुआएं देने के लिए। थैंक यू सो मच, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं किस तरीके से आपका शुक्रिया अदा करूँ। होपफुली कि इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बुकरम का एक पीस ले लिया, उसको इस तरीके से डबल कर लेंगे। ऊपर से चौड़ाई ले लेंगे 3.2 इंच और साथ एक इंच का फ्यूजिंग का निशान लगा लेंगे। और लंबाई यहाँ पे हम ले रहे हैं 7 इंच, ये मीडियम साइज़ की औरत का नाप है। और नीचे से भी 3.2 इंच की चौड़ाई ले लेंगे। किस तरीके से किसी भी लेडीज़ कमीज़ से नाप लेते हैं चौड़ाई और लंबाई का, तो मैं पहले नेक डिज़ाइंस बहुत सारे बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में ले के बताया था नाप, किस तरीके से आप किसी भी कमीज़ से ले सकते हैं। तो वीडियो नहीं देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ आई के बटन पर क्लिक करने से भी मिल जाएगा। यहाँ पर बॉक्स बना लिया है हमने और फ्यूजिंग का भी इसी तरीके से बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पे ऊपर से जो चौड़ाई हमने ली है वो 3.2 इंच ली है, जब हम इसको खोलेंगे तो ये 6.5 इंच बन जाएगी, 6.5 इंच इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो जितनी भी आपकी चौड़ाई होगी उससे आपने हाफ लेनी है। तो अब यहाँ बिल्कुल कॉर्नर से हम निशान लगा लेंगे, तकरीबन 2.1 इंच का लगाया है, 2 से सिर्फ 1 पॉइंट ज़्यादा लिया है। और इस तरीके से इसकी 5 शेप में हम लोग इस तरीके से शेप दे देंगे। ये जो निशान लगाया था बिल्कुल इसके साथ ही नीचे से तकरीबन 1/2 इंच या 1.25 इंच जितना हम लोग ले लेंगे, जहाँ से यहाँ से शेप को हम कर्व देंगे हल्का सा इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही आसान सा मेथड आपको बताया मैंने। फ्यूजिंग का भी सेम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। किस तरीके से अटैच करते हैं इसको शर्ट के कमीज़ के साथ और किस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ नेक डिज़ाइन बना सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं पहले वीडियो कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ बैक नेक की भी और फ्रंट नेक की भी। इस तरीके से अंदर से भी कटिंग कर लेंगे, ऊपर से हल्की सी तिरछी शेप देते होते हैं हम। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ऊपर से जो हमने लिया है तकरीबन 0.2 इंच का लिया है और इसको इस तरीके से हल्की सी तिरछी शेप देनी है आपने। जितनी भी यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना परफेक्ट ये बना है, परफेक्ट शेप आई और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था इसको बनाना। दूसरा डिज़ाइन बना लेते हैं जिसको मोस्टली मटका डिज़ाइन भी बोला जाता है। तो इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर जो ले रहे हैं, ये हम लोग मोस्टली जो चौड़ाई होती है हमारी नेक से उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं। तो 4 इंच चौड़ाई ली है हमने यहाँ पे और 1 इंच फ्यूजिंग का, और गहराई हमने ली है 7 इंच। जितनी भी आपकी 7 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा ली है, जितनी भी आपकी गहराई होगी कमीज़ के नाप की उससे आपने 1/2 इंच हमेशा ज़्यादा लेनी होती है गहराई, क्योंकि ऊपर शोल्डर में भी सिलाई होने के बाद आता है तो उससे गला छोटा हो जाता है। तो हमेशा 1/2 इंच ज़्यादा लिया करें। फ्यूजिंग का भी निशान लगा लेंगे और नीचे से भी मैंने चौड़ाई का उतना ही लगा लिया है जितना हमने ऊपर लिया था। नीचे फ्यूजिंग का भी इसी तरीके से बना लेंगे। हमेशा जो भी नेक डिज़ाइन की आप कटिंग करें बॉक्स बना के किया करें, उससे शेप जो आती है वो बहुत ही परफेक्ट आती है। अगर आप बिगनर्स हैं और इस तरीके को फॉलो करते हुए अगर आप बनाएंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपकी शेप परफेक्ट ना आए। तो मैंने ट्राई किया है कि हमने बहुत ही ईजी मेथड आपके साथ शेयर करें ताकि हर कोई इसको फॉलो कर सके। बिल्कुल कॉर्नर से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तकरीबन 1 इंच की ली है ये लाइन और इस तरीके से तिरछी शेप दी है, देख सकते हैं आप लोग 1 इंच की ली है ये। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ ऊपर भी एक कर्व देते हैं इस डिज़ाइन में, तो ऊपर से 3.5 इंच का निशान लगाना है और इसके साथ ही 1 इंच की इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने शेप देनी है। इस तरीके से जब लाइन्स ड्रॉ करके आप शेप देते हैं ये मटका डिज़ाइन की, जब शेप देंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपकी शेप परफेक्ट ना आए। तो ये हमने बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक अपनी बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक आपके साथ शेयर की है। इसी तरीके से फ्यूजिंग का भी निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों डिज़ाइन, जो पहला वाला डिज़ाइन था उसका नाम था पान नेक डिज़ाइन, दूसरे वाले का इसका नाम है मटका नेक डिज़ाइन। तो होपफुली दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। यहाँ पर देखें अंदर से बिल्कुल उसी शेप में आपने कटिंग करनी है जिस शेप में आपने निशान लगाया होगा। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये मेथड आपको कैसा लगा, वीडियो मेरी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी परफेक्ट शेप आई है, दोनों नेक डिज़ाइन की कटिंग हो चुकी है। यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।